मंदसौर जिला के भानुपुरा तहसील में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा भानुपुरा क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। भानुपुरा नगर की लोटखेड़ी रोड पर अज्ञात बदमाशों द्वारा गाय के छोटे से मासूम बछड़े की गर्दन काट दी गई, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। लोगों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया। जैसे ही पुलिस इस घटना की जानकारी मिली तो भानुपुरा पुलिस एवं आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और चक्का जाम कर रहे लोगों को 7 दिनों का समय मांगा। इसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद जाम को खोल दिया गया। चक्का जाम से पहले गोरक्षकों को हिंदू संगठन ने जय राम सीताराम का जाप किया। वह इस प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने वाले शातिरों की तलाश में पुलिस लग गई। वहीं इस प्रकार की हरकत करने वालों के खिलाफ क्षेत्र के लोगों में नाराजगी दिख रही है। इससे पहले बाबुलदा भी हुई थी, इसमें भी कोई प्रशासन द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहते हैं सर? घटना है, पुलिस जांच करेगी, क्योंकि जो बाबुलदा की घटना के बाद पकड़ा गया था, कार्रवाई करी थी। खुलासा हो गया है, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये दाह दर हत्या से कटा हुआ है, किसी जानवर द्वारा से कोई अतिक्रमण हुआ ही नहीं है। जांच करते हैं, जांच करते हैं, दाह दर हत्या से कटा हुआ है, कार्रवाई की जाएगी। पहले जो होता रहा, आज रहे, कानून को फॉलो करना पड़ेगा सभी ने, और कानून पूरा मदद करेगा, कानून से बात नहीं है जनता की। हाँ, ये मुझे भी घटना पता चली, आधे घंटे पहले की घटना है, और इसको कहीं काट के फेंका है इसको यहाँ पर, इसी के द्वारा जो है यहाँ पर माहौल ख़राब करने की ये साजिश करी गई है। क्योंकि हम इसमें जो है घटना के शीघ्र FIR करके और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास करेंगे, और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी तत्काल चलेगी। एक्चुअल में ये जो घटना है बहुत दुखद घटना है। एक अभी 2-3 दिन का बच्चा होगा, ये केवल इतना मासूम बच्चा, गाय का बच्चा, उसकी गर्दन काट कर नगर का माहौल बिगाड़ने की कुछ अराजक तत्वों की ये कोशिश है, और उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। गाय को हम माता मानते हैं, तो गाय के बच्चों को काटने से क्या लेना है? आखिर उसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो कुछ लोग जो है नगर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। पहले भी इस प्रकार की घटना घटित हुई है, बाबुलदा की घटना की, उसके गाय को उसमें पूरा डंडा चला दिया था। जब तक ऐसे अपराधी पकड़ में नहीं आएंगे ना, तब तक इस प्रकार की घटना घटित होती रहेगी। इसलिए हमारी भी प्रशासन से मांग है कि इस प्रकार के और नगर का माहौल बिगाड़ने वाले, इस प्रकार का अपराध और कुकृत्य करने वाले लोगों को और तुरंत ट्रेस करना चाहिए, ताकि नगर में फिर से इस प्रकार की घटना घटित न हो और हमारे यहाँ का माहौल न बिगड़े। सर, इस घटना के बारे में प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? कार्रवाई ये कर रहे हैं कि ये गाय के बछड़े का सर इस पर कैसे आया है। जैसे कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि कोई कुत्ता लेकर ही नहीं आया है, हम लोग सर्चिंग करवा रहे हैं कि वह गाय के बछड़े का बाकी का कहाँ पर है, और इसमें किस प्रकार की अपने अपराध की घटना है, कौन उसमें लोग हैं, किस प्रकार की घटना हुआ है, ये सारे तथ्य। सर, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि सिर काटा हुआ है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा कि कटा हुआ है, बुरा हुआ है। जैसे आप देखेंगे किसी भी कोई धागे को अगर आप काटेंगे तो शार्प कटिंग का रिश्ता उसमें आएगा, शार्प और अगर बुखा हुआ होगा तो उसके अंदर रिश्ते काफ़ी निकल आती है। तो वो जो एक टेक्निकल पॉइंट है, वो टेक्निकल पॉइंट में डॉक्टर जो है पूरा सिर्फ अपना पेन फोट देगा, वो एक अलग विषय है कि किस प्रकार से हुआ है, लेकिन बाकी के जो उसके अवशेष हैं उसको भी हम लोग जो है अभी यहाँ पे कुछ पर्सनल डॉक्टर आए थे तो उन्होंने बताया नहीं है तो कटा हुआ है। अब प्रश्न वो तो वैधानिक MLC होती है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, तो वो वैधानिक डॉक्टर ही इसकी चेक कर। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मैं ये कह रहा हूँ ना, तो लोग डरा है, उसमें क्या है कि जो रिपोर्ट आई वो सुन लिया, धड़ है, बाकी की जो अवशेष है उसके लिए हम लोगों ने टीम में लगा दी है, मैं खुद यहाँ पे कैंप किया हूँ, उसको हम शामिल कर। ठीक है, सर, ठीक है।